he has been one of the finest parliamentarians ever produced, not only in this country, but also perhaps in any other country. Throughout his life, he was always a humanist first and always stood by those who needed help. He is not at all a big leader which is standoffish. Actually, he used to mix with everybody. उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी जो थी अबव बोर्ड थी, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। वे इतिहास पुरुष थे, शिखर पुरुष थे, जीवन के अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज उनसे प्रेरणा लेकर लाखों नौजवान अपने कर्तव्य पालन में जुटे हुए हैं। कुछ इतिहास निर्माता ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं इतिहासकार भुला देते हैं, लेकिन इतिहास पर जिनकी छाप मिटाए नहीं मिट पाती, ऐसे ही एक इतिहास निर्माता थे श्यामा बाबू। शस्त्र श्यामला बंग भूमि के पुनर्जागरण आंदोलन के एक प्रबल प्रवक्ता थे श्यामा बाबू के पिता सर आशुतोष मुखर्जी। कोलकाता हाई कोर्ट के जज और कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर आशुतोष ने इसी विश्वविद्यालय से बंगाल में ही नहीं सारे देश में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की गंगा बहाई, आधुनिक भारत के निर्माता कहलाए। यहीं सन 1901 में सर आशुतोष की धर्मपत्नी जोगमाया देवी ने जन्म दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। बालक के कानों में धर्मपरायण माता की कृपा से हमारी धर्म संस्कृति के मंत्र गूंजते रहे। पिता और उनके मित्रों की कृपा से आधुनिक ज्ञान विज्ञान के। पिता ने उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया तो माता ने स्वधर्म का। बालक श्यामा को स्वधर्म और स्वराज का ये पाठ अपने स्कूल मित्र इंस्टीट्यूट में भी पढ़ने को मिला। इसे उनके पिता ने ही छात्रों में राष्ट्रवादी संस्कार डालने के लिए खुलवाया था। मेधावी श्यामा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करके आगे की पढ़ाई के लिए वजीफा पाया और प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए। श्यामा बाबू को अंग्रेजी अच्छी लगती थी तो बांग्ला से उन्हें प्यार था। उनके पिता विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं में एमए का प्रावधान करा चुके थे। स्वभाषा को स्वदेश प्रेम से जोड़ते हुए श्यामा बाबू ने अंग्रेजी में नहीं बांग्ला में एमए किया। यहाँ भी प्रथम श्रेणी में प्रथम। 16 अप्रैल 1922 उनका विवाह प्रसिद्ध कवि बिहारीलाल चक्रवर्ती की पोती सुधामय देवी से हुआ।
श्यामा बाबू अंग्रेजी व बांग्ला दोनों में ही बहुत अच्छा लिखने लगे। कॉलेज की पत्रिका के सह संपादक बने। साथ ही अंग्रेजी दैनिक कैपिटल के लिए टीचर्स डायरी नामक कॉलम लिखते रहे। जज पिता ने बेटे को कानून पढ़ाना जरूरी समझकर बीएल में दाखिला कराया। इसमें भी वो प्रथम श्रेणी में प्रथम रहे। सर आशुतोष ने अपने मंझले बेटे को होनहार ठहराते हुए विश्वविद्यालय के काम में उनकी मदद लेने लगे। अभी बीएल का नतीजा भी नहीं आया था कि श्यामा बाबू पर वज्रपात हुआ। उनके पिता सहसा चल बसे। तब श्यामा बाबू मात्र 23 वर्ष के थे। सर आशुतोष की रीत नीत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने उन्हें विश्वविद्यालय से जोड़े रखना आवश्यक समझा। वो पहले सेनेट और बाद में सिंडिकेट के लिए चुने गए। शिक्षा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि शिक्षाविद के रूप में शुरू हो गया। 2 वर्ष बाद श्यामा बाबू इंग्लैंड गए ताकि बैरिस्टरी करके न्यायविद के रूप में भी पिता की विरासत संभाल सके। वहीं उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रभावशाली ढंग से प्रतिनिधित्व किया। इंग्लैंड से लौटकर श्यामा बाबू ने वकालत शुरू की और उसमें सफल भी हुए। लेकिन श्यामा बाबू का पहला प्यार शिक्षा से था और उसी की खातिर 1929 में विश्वविद्यालय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधान परिषद के लिए चुनाव लड़े और जीते। उन पर फिर वज्रपात हुआ। कुल 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी चल बसी। जब हमको मदर मर गया ना, छोटा भाई तो 3 साल का, उनके ऊपर हमारा सिस्टर 5, मैं 7, मेरा 12 भाई 9, एकदम छोटा सा। इसके बाद श्यामा बाबू ने अपने को पूरी तरह से विश्वविद्यालय के काम में डुबो दिया। यही वजह थी कि कुल 35 वर्ष की आयु में श्यामा बाबू कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बना दिए गए, दुनिया के सबसे कम उम्र के कुलपति। ड्यूरिंग द 4 इयर्स ऑफ हिज वाइस चांसलरशिप ही इनिशिएटेड एंड इंप्लीमेंटेड मोर देन 40 स्कीम्स, मोस्ट ऑफ हिज आर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। अपने पिता की नीति पर चलते हुए श्यामा बाबू ने बांग्ला को मैट्रिक तक शिक्षा का माध्यम बनवा दिया। अंग्रेजों के विरोध के बावजूद दीक्षांत समारोह बांग्ला में संचालित करवाया और मुख्य अतिथि के रूप में बुलवाया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। फिरंगियों के वर्चस्व को हटाकर उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह को भारतीय स्वरूप दिया। लगातार 2 बार वाइस चांसलर रहने के बाद जब 1938 में श्यामा बाबू ने पद छोड़ा तब कृतज्ञ विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डिग्री प्रदान की। उसी वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ से सम्मानित किया। अपने पारिवारिक संस्कारों से श्यामा बाबू राष्ट्रवादी थे। उस समय राष्ट्रवादी होने का मतलब कांग्रेसी होना था, लेकिन एक अंग्रेज यून द्वारा स्थापित कांग्रेस में भी कई तरह की विचारधाराएं चलती रही थी। श्यामा बाबू उनमें से किसी से भी पूरी तरह से सहमत नहीं थे। वे गोपाल कृष्ण गोखले की उस नरम विचारधारा को ठीक समझते थे कि अंग्रेज जितनी भी आजादी दे रहे हो उसका भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए। 1857 के गदर के बाद से अंग्रेज शासक बराबर हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाते आए थे।